क्राइम ब्रांच और पीपीगंज थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने रिटायर्ड आईएएस बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटा गया नगदी और जेवर भी बरामद किया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार की रात रिटायर्ड आईएएस अधिकारी त्रियोगी नारायण त्रिपाठी और उनकी पत्नी मनोरमा त्रिपाठी को दो असलाहधारी बदमाशों ने घर के अंदर घंटों लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। वहीं विरोध करने पर रॉड से हमला कर घायल कर दिया गया था। वहीं मंगलवार को एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि क्राइम ब्रांच और थाना पीपीगंज की संयुक्त टीम ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें विनय तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी पुत्र राकेश तिवारी निवासी भीटी तिवारी थाना पीपीगंज और अरविंद मिश्रा उर्फ सोनू मिश्रा पुत्र विनोद मिश्रा निवासी मोहल्ला महुलानी टोला कैथोरिया थाना ब्रिजमनगंज जिला महाराजगंज का रहने वाला है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से नगद धनराशि सहित सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस दौरान एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सीओ क्राइम प्रवीण सिंह, सीओ कैंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, ये भी बता रहे हैं कि शराब के नशे में थे। दुकान है, मतलब कपड़े का मतलब है कि छोटे मोटे मतलब गार्मेंट्स वगैरह की इसकी दुकान है, इसके मतलब इसका भाई बैठता है वहाँ। दर्पण में तो बताया जा रहा है कि सीओ साहब के फोन की कोई बड़ी घटना हुई, कोई अधिकारी नहीं गए, जो डी आई जी साहब गए थे सॉलिड रूप है। नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसी कोई जानकारी नहीं, ऐसी कोई जानकारी भी नहीं। स्थानीय थाने से पूछ के बता रहे हैं। एक रिटायर्ड अधिकारी हैं, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल। 20 तारीख की रात में जो दो अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके घर में घुस के लगदी और जेवरात लूट लिए गए थे और उनको उनके साथ जो मारपीट भी की गई। इस विषय में जो उन लोगों का इनपुट था उनसे जो गहन पूछताछ की गई, जो इनपुट था उसके आधार पर जो पीपीगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच को दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में जो सफलता प्राप्त हुई है। और इसमें जो है जो भी आभूषण गए थे उसकी 100% जो हम लोगों ने बरामद भी की है और अधिक का मोबाइल नंबर बरामद हुआ है। रुपयों में कुछ कम है जिसके बारे में ये खर्च करना बता रहे हैं और किसी परिवेश में जो किसी आयोजित की गई है, चूँकि बुजुर्ग दंपति थे, उस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनके यहाँ जो इस तरह की घटना होना जो हम लोगों के लिए चुनौती थी, जिसका हम लोग जो है आज जनपद पुलिस द्वारा जो नहीं ये पहले अंजाम नहीं दे चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि ये जो है एक अभियुक्त उन्हीं के गाँव का है और एक उसका रिश्तेदार है, ये उस फैमिली को भली भाई जानते हैं। इनका जो पहले को कोई टाइम कुछ उल्लेखनीय काम नहीं करते हैं, कुछ कह रहे थे ये जी ये क्या कहते हैं सब्जी सब्जी का ठेला लगा।